राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट में 29 जनवरी को होने वाली सुनवाई टल गई है। जस्टिस बोबड़े के उपलब्ध नहीं होने पर यह सुनवाई टली है। आपको ये बताएं कि दो दिन पहले ही सीजेआई रंजन गोगोई ने अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय नई संवैधानिक बेंच का गठन किया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑडिशनल रजिस्ट्रार लिस्टिंग की ओर से रविवार को जारी नोटिस जिसमें संवैधानिक बेंच में शामिल जस्टिस एस ए बोबड़े 29 जनवरी को मौजूद नहीं रहेंगे, इस वजह से मामले की सुनवाई नहीं होगी। हालांकि अगली सुनवाई की तारीख पर फैसला अभी नहीं हुआ है। परवाही से कार्य कर रहा है, इस पर हमको दुख है व्यक्तिगत, और जो समाज करता होगा तो उनका देखिए कोर्ट को बवंडली में काम नहीं करना चाहिए, कोर्ट को नित्य प्रति सुनवाई करके फैसला करना चाहिए। सौभाग्य था कि छुट्टी ले ली, उस दिन भी ठीक नहीं था, नक्षत्र बहुत ठीक नहीं था। राम जी की जो इच्छा हो वो ठीक की, विशाखा नक्षत्र में ये सब काम कराना उचित नहीं था। राम जी जो इच्छा कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आखिरी में सफलता मिल जाएगी। कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पे, कोर्ट किसी के दबाव में नहीं रहता, कोर्ट बिल्कुल स्वतंत्र है, जज बिल्कुल स्वतंत्र हैं। कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पे, पेपर के माध्यम से कोर्ट को फैसला करना है, चाहे वो इलेक्शन आवे चाहे नेताओं की राजनीति हो। हर नेता राजनीति करते हैं, इलेक्शन आता है तो मंदिर मस्जिद जात धर्म की लोग राजनीति करते हैं, लेकिन जहाँ मामला जो है कोर्ट का है, कोर्ट बिल्कुल स्वतंत्र है, कोर्ट जब भी फैसला करेगा। कि देश की बहुत बड़ी जनता की अपेक्षा है कि वहां एक भव्य राम मंदिर बने। हमारी ओर से बार बार कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस मामले का संवैधानिक रूप से निपटारा होना चाहिए, देश के कानून मंत्री के रूप में नहीं लेकिन देश के नागरिक के रूप में। कि राम जन्मभूमि का मामला 70 साल से पेंडिंग है सूट में, इलाहाबाद का फैसला राम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ मूल रूप से, अब यह अपील भी लगभग 10 साल से पेंडिंग है, तो यह अपील जो अब 70 साल पुरानी हो गई पूरा सूट, तो इसका निष्पादन जल्द से जल्द होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट इसमें डिसाइड करे कब सुनवाई करे, अगर कोई जज जो है ठीक नहीं आश्वस्त है वो नहीं आ पा रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख बढ़ाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट का जज भी इंसान होता है, इंसान की तबीयत भी खराब होती है। इससे पहले लास्ट वीक भी जस्टिस बोबड़े साहब 3-4 दिन नहीं बैठ पाए थे, क्योंकि पता लगा था उनकी तबीयत इसी अवेलेबल नहीं, क्योंकि उनकी इज़ नॉट वेल, तबीयत ठीक नहीं। तो ऐसा अक्सर होता है। अब इंसिडेंटली ये 5 जज की बेंच थी, वो असेंबल नहीं हो पाएगी एक जज साहब के ना होने की वजह से, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई जो अर्लीस्ट डेट होगी वो फिक्स करेंगे। देखिए जस्टिस बोबड़े का इसमें दिखाया जा रहा है कि मतलब वो उपस्थित नहीं है, इसलिए इस केस को फिर से एक बार टाल दिया गया है। इसलिए हम लोगों को काफ़ी मायूस होना पड़ रहा है कि इस केस को लेकर के, कि बार बार जो टाला जा रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए जस्टिस बोबड़े का इसमें दिखाया जा रहा है कि मतलब वो उपस्थित नहीं है, इसलिए इस केस को फिर से एक बार टाल दिया गया है। इसलिए हम लोगों को काफ़ी मायूस होना पड़ रहा है कि इस केस को लेकर के, कि बार बार जो टाला जा रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है।